नमस्कार दोस्तों, कार कंपेरोज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फोर्ड फ्री स्टाइल के 10 लाख रुपए की कीमत वाली तीन कॉम्पैक्ट एसयूवी के साथ तुलना। अगर आपका बजट 10 लाख के ऊपर होगा तो फिर आप फ्री स्टाइल जैसी मिनी एसयूवी के बारे में सोचते भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर उसकी तुलना सिर्फ 10 लाख के नीचे मिलने वाली गाड़ियों के साथ की जाएगी, उनके टॉप एंड मॉडल से नहीं। तो दोस्तों, अगर आपका बजट 10 लाख तक है और आप एक छोटी एसयूवी खरीदना चाहते हैं तो आपको फ्री स्टाइल का टॉप एंड मॉडल मिल सकता है या फिर ब्रेजा, नेक्सन और इको स्पोर्ट्स के मिड रेंज मॉडल। तो क्या ये तीनों कॉम्पैक्ट एसयूवी बेवजह महंगी हैं या वाकई में वे फ्री स्टाइल से बेहतर गाड़ियां हैं? क्या वे फ्री स्टाइल से ज़्यादा शक्तिशाली हैं? क्या उनमें ज़्यादा फीचर्स हैं? क्या उनका माइलेज फ्री स्टाइल से बेहतर है? क्या वह ज़्यादा कंफर्टेबल गाड़ियां हैं? ऐसे सारे सवालों का जवाब पाने के लिए देखते रहिए कंपेरोज का फ्री स्टाइल वर्सेस नेक्सन, इको स्पोर्ट्स और विटारा ब्रेजा कंपैरिजन वीडियो। दोस्तों, बात करते हैं कीमत और फीचर्स की। तो पहले बात करते हैं मैनुअल गियर डीजल मॉडल के बारे में। फ्री स्टाइल के टॉप एंड यानी कि टाइटेनियम प्लस मॉडल की कीमत है 8,90,000 रुपये ऑन रोड दिल्ली। ब्रेजा का 10 लाख के नीचे मिलने वाला सबसे अच्छा वेरियंट है उसका सेकेंड लास्ट वेरियंट जो है ZDI, जिसकी कीमत है 9,90,000 रुपये। नेक्सन के 10 लाख से कम कीमत वाले सबसे अच्छे वेरियंट्स हैं उसका मिड रेंज मॉडल जो है XT और उसकी कीमत है 9,70,000 रुपये। इको स्पोर्ट्स का 10 लाख के नीचे सिर्फ बेस मॉडल मिल सकता है जो है एम्बियंट और उसकी कीमत है 9.5 लाख रुपये। दोस्तों, चारों गाड़ियों में सबसे ज़्यादा फीचर्स फोर्ड फ्री स्टाइल में मौजूद हैं। उसमें साइड एंड कर्टेन एयरबैग्स, ESP यानी कि ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड, पार्किंग कैमरा, ऑटो डिमिंग इनसाइड मिरर, रेन सेंसिंग वाइपर्स, लाइट सेंसिंग हेडलैम्प, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड्रॉयड ऑटो जैसे कई सारे फीचर्स हैं जो अन्य तीनों गाड़ियों के 10 लाख रुपए तक के मिलने वाले मॉडल्स में मौजूद नहीं है। फ्री स्टाइल में बस दो फीचर्स की कमी रह गई जो है प्रोजेक्टर हेडलैम्प और LED DRL जो यहाँ पर सिर्फ ब्रेजा ZDI में उपलब्ध है। अगर ये दो फीचर्स फोर्ड में उसमें डाल देता तो उसमें चार चांद लग जाते। दोस्तों, फीचर्स के मामले में फ्री स्टाइल के बाद आती है विटारा ब्रेजा, जिसमें कम से कम हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, रियर वॉश वाइप डिफॉगर, फॉग लैंप, ऑटो अप एंटी ड्राइवर विंडोज और एलो व्हील जैसे फीचर्स हैं जो 10 लाख के नीचे मिलने वाली नेक्सन और इको स्पोर्ट्स में मौजूद नहीं है, मगर टॉप एंड फ्री स्टाइल में उपलब्ध है। यहाँ पर सबसे कम फीचर्स वाली गाड़ी है इको स्पोर्ट्स MBL, जिसमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और स्टीयरिंग व्हील स्विचेज जैसे फीचर्स भी मौजूद नहीं है जो अन्य तीनों गाड़ियों में उपलब्ध हैं। उसमें सिर्फ एक ऐसा फीचर है जो बाकी तीनों गाड़ियों में उपलब्ध नहीं है जो है टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग एडजस्टमेंट। लेकिन चारों गाड़ियों में ABS, दो एयरबैग्स, पार्किंग सेंसर, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिरर और ब्लूटूथ वाली म्यूजिक सिस्टम जैसे 10-12 मूलभूत फीचर्स मौजूद हैं। दोस्तों, बात करते हैं माइलेज की। चारों गाड़ियों के डीजल मॉडल्स का ARAI माइलेज लगभग एक समान है, उनमें 1.5 किलोमीटर पर लीटर का भी फर्क नहीं है। पेट्रोल मैनुअल मॉडल्स में सबसे कम माइलेज है इको स्पोर्ट्स का जो है 17 किलोमीटर प्रति लीटर और सबसे ज़्यादा फ्री स्टाइल का जो है 19 किलोमीटर प्रति लीटर। हमारे विश्लेषण के दौरान भी सारी डीजल गाड़ियों का माइलेज लगभग एक समान पाया गया जो था तकरीबन 17 किलोमीटर प्रति लीटर। पेट्रोल गाड़ियों में फ्री स्टाइल का माइलेज नेक्सन और इको स्पोर्ट से 1.5 किलोमीटर बेहतर पाया गया। ब्रेजा डीजल और नेक्सन के दोनों ऑटोमेटिक मॉडल्स का माइलेज उनके मैनुअल मॉडल जितना ही पाया गया, लेकिन इको स्पोर्ट्स पेट्रोल ऑटोमेटिक का माइलेज उसके मैनुअल मॉडल से 2 किलोमीटर पर लीटर कम पाया गया। दोस्तों, बात करते हैं पिकअप और स्मूथनेस की। चारों गाड़ियों में से सिर्फ ब्रेजा में छोटा 1250 cc का डीजल इंजन मौजूद है, बाकी तीनों गाड़ियों में 1500 cc का डीजल इंजन है। नेक्सन के इंजन में फ्री स्टाइल से 10 हॉर्स पावर ज़्यादा है, लेकिन उसका वजन भी फ्री स्टाइल से लगभग 200 किलो भारी है। इस वजह से उसका पिकअप फ्री स्टाइल से थोड़ा सा कमज़ोर है, लेकिन इको स्पोर्ट्स और ब्रेजा का पिकअप तो फ्री स्टाइल और नेक्सन से भी ज़्यादा कमज़ोर है। स्मूथनेस के मामले में फोर्ड का इंजन सबसे शांत है। दोस्तों, बात करते हैं पेट्रोल इंजन्स की। तो इको स्पोर्ट्स में 1500 cc का इंजन है, वहीं नेक्सन और फ्री स्टाइल में सिर्फ 1200 cc का इंजन, लेकिन नेक्सन का इंजन कम से कम टर्बोचार्ज तो है, इसलिए उसमें फ्री स्टाइल के नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन से 14 हॉर्स पावर और 50 Nm ज़्यादा टॉर्क मौजूद है, लेकिन वह फ्री स्टाइल से 150 किलो भारी है। इस वजह से उसका पिकअप लगभग फ्री स्टाइल के समान है। ओवरटेकिंग करते वक्त नेक्सन का टर्बोचार्जर उसे बेहतरीन टॉर्क देता है, लेकिन 2000 RPM के नीचे उसमें टर्बो लैग की समस्या रहती है, जिसके कारण शहरी ट्रैफिक में नेक्सन चलाने वालों को बार बार गियर बदलने पड़ते हैं। इको स्पोर्ट्स में तो नेक्सन से भी 13 हॉर्स पावर ज़्यादा है, उसका पिकअप फ्री स्टाइल और नेक्सन दोनों से बेहतर है, लेकिन ओवरटेकिंग के मामले में वह नेक्सन से थोड़ी सी कमज़ोर है।
स्मूथनेस के मामले में दोनों फोर्ड्स के 3 सिलेंडर इंजन से नेक्सन के 3 सिलेंडर इंजन से काफ़ी स्मूथ हैं। ऑटोमेटिक के बारे में बात करें तो फोर्ड का पारंपरिक टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स नेक्सन और वरेजा के AMT गियरबॉक्स से थोड़ा सा स्मूथ है, लेकिन नेक्सन और वरेजा के AMT ज़्यादा तेज़ी से गियर बदलते हैं और उनका पिकअप अथवा माइलेज दोनों इको स्पोर्ट से बेहतर है। दोस्तों बात करते हैं अंदरूनी जगह और कंफर्ट की। चारों गाड़ियों दरअसल छोटी हैचबैक्स के प्लेटफॉर्म पर आधारित हैं। फ्री स्टाइल फिगो के प्लेटफॉर्म पर, ब्रेजा स्विफ्ट के प्लेटफॉर्म पे, नेक्सन इंडिका फिस्टा के प्लेटफॉर्म पे और इको स्पोर्ट फिस्टा के प्लेटफॉर्म पे। बाहर से ये गाड़ियाँ कितनी भी बड़ी क्यों ना लगें, उनके अंदर हैचबैक्स जितनी या उनसे थोड़ी सी कम ही जगह उपलब्ध है। तकनीकी रूप से देखा जाए तो चारों में एक भी गाड़ी के अंदर बलेनो जितनी अंदरूनी जगह उपलब्ध नहीं है। चारों में से फोर्ड की फ्रीस्टाइल और इको स्पोर्ट में सबसे कम जगह उपलब्ध है और नेक्सन में सबसे ज़्यादा, लेकिन नेक्सन की पिछली सीट पर बैठना और उतरना सबसे खतरनाक काम है और कठिन कह सकते हैं। कंफर्ट के मामले में चारों गाड़ियां एक जैसी हैं। बूट स्पेस के मामले में फ्रीस्टाइल सबसे पीछे है और इको स्पोर्ट्स और नेक्सन सबसे आगे। इंटीरियर्स के मामले में नेक्सन सबसे आधुनिक और आकर्षक लगती है। इको स्पोर्ट्स के इंटीरियर्स भी काफ़ी उच्च दर्जे के लगते हैं। फ्री स्टाइल और ब्रेजा के इंटीरियर सबसे गायबुर्जी हैं, लेकिन ब्रेजा का इंटीरियर्स का टिकाऊपन अन्य तीनों गाड़ियों से अच्छा होगा, इस बात में कोई संदेह नहीं है। दोस्तों बात करते हैं पकड़ और सस्पेंशन की। चारों गाड़ियों का चेजिस सस्पेंशन एक से बढ़कर एक है। ब्रेजा का सस्पेंशन चारों में सबसे सख्त है, इसलिए वह गड्ढों और स्पीड ब्रेकर्स को अच्छी तरह से सोख नहीं पाती, लेकिन मोड़ों पर वह बेहतरीन पकड़ और नियंत्रण दर्शाती है और तेजी से दिशा बदल करती है। दूसरी तरफ है नेक्सन, जिसका सस्पेंशन चारों में सबसे नरम है, वह गड्ढों और स्पीड ब्रेकर्स को बेहतरीन रूप से सेक लेती है। हमारे देश की टूटी फूटी सड़कों के लिए वह सबसे उचित गाड़ी है, इस बात में दोस्तों कोई संदेह नहीं है, लेकिन मोड़ों पर उसमें सबसे ज़्यादा बॉडी रोल की समस्या है। वह पकड़ तो अच्छी बनाए रखती है, लेकिन बाकी तीनों गाड़ियों जितनी चुस्ती और फुर्ती से दिशा बदल नहीं कर पाती। इको स्पोर्ट्स नेक्सन और ब्रेजा दोनों के बीच का समझौता लगती है, वह गड्ढों को ब्रेजा से बेहतर सोख लेती है, लेकिन नेक्सन जितने अच्छे से नहीं। मोड़ों पर वह ब्रेजा से भी बेहतर पकड़ बनाए रखती है, लेकिन उसके जितनी चप्पल नहीं लगती। फ्री स्टाइल सबसे लाजवाब है, वह गड्ढों को इको स्पोर्ट से बेहतर सोख लेती है लगभग नेक्सन जितने अच्छे से, और मोड़ों पर वह इको स्पोर्ट से बेहतर है। घुमावदार रास्तों पर चलाते वक्त वह ब्रेजा की तरह उससे भी थोड़ी सी अच्छी और मज़ेदार लगेगी। दोस्तों बात करते हैं क्वालिटी और मेंटेनेंस की। टिकाऊपन के मामले में पिछले 20 साल में टाटा और फोर्ड दोनों की गाड़ियां बहुत घटिया साबित हुई हैं। उनकी गाड़ियों का स्टाइलिंग सुधर जाने से गाड़ियों के टिकाऊपन अचानक से सुधर जाएगा, ऐसी गलतफहमी में बिल्कुल ना रहना। फोर्ड की नई गाड़ी अब एस्कॉर्ट और आइकॉन से तो काफ़ी ज़्यादा सुधर गई हैं, लेकिन आज भी सुजुकी की गाड़ियों जितनी टिकाऊ और भरोसेमंद नहीं हुई हैं। टाटा की गाड़ियां बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी और फीचर्स के साथ साथ और भी बिगड़ गई है। अभी तो नेक्सन को मार्केट में आए एक साल भी नहीं हुआ, उसकी गुणवत्ता की असलियत तो सबको 2-3 साल में पता चल जाएगी। इन चारों में सबसे टिकाऊ तो ब्रेजा ही रहेगी, इस बात में दोस्तों बिल्कुल संदेह नहीं है। सर्विस के मामले में भी मारुति की कारीगरी व्यवस्था और उसका 3000 से अधिक सर्विस सेंटर का विस्तार टाटा और फोर्ड से बहुत श्रेष्ठ है। इसका असर आपको दोस्तों सेकेंड हैंड मार्केट में साफ साफ दिखाई देगा, जहां पर 5-7 साल के बाद ब्रेजा आपको अन्य तीनों गाड़ियों से 1.5-2 लाख रुपये बेहतर कीमत दिलाएगी। दोस्तों बात करते हैं अंतिम निर्णय की। इन चारों में से कौन सी गाड़ी सबसे ज़्यादा बेहतर है, यह तो आपकी ज़रूरत पर निर्भर है। अगर आपका बेहतरीन सस्पेंशन कंफर्ट, तेज पिकअप और सबसे ज़्यादा अंदरूनी जगह वाली गाड़ी चाहिए तो वह नेक्सन है, खासकर नेक्सन डीजल, लेकिन उसमें आने वाली बिगाड़ और टाटा मोटर्स की खराब सर्विस से जूझने का साहस होना चाहिए। अगर आपको सालों साल बिना किसी बिगाड़ के चलाने वाली गाड़ी चाहिए तो वह है विटारा ब्रेजा, जिसका टिकाऊपन की मिसाल तो यह है कि अब टोयोटा जैसे उत्पादक भी ब्रेजा लेकर उस पर अपना लोगो चिपका के बेचने वाले हैं। लेकिन टिकाऊपन के साथ साथ आपको उसके सख्त सस्पेंशन और सस्ते इंटीरियर्स को भी अपनाना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा सूझता नहीं करना चाहे या ये सब कुछ नहीं करना है तो फ्री स्टाइल के बारे में ज़रूर विचार करें। वह ब्रेजा से बहुत सस्ती है, उसमें आपको बाहर से सेफ्टी फीचर्स और बाकी उपकरण मिल जाएंगे। उसका माइलेज, उसका सस्पेंशन कंफर्ट, उसका नुकीला स्टीयरिंग और दमदार डीजल इंजन आपको आने वाले 5-7 साल तक अच्छा साथ देगा। अगर आप अधिकतर शहरी ट्रैफिक में अपनी गाड़ी इस्तेमाल करने वाले हैं तो ब्रेजा या नेक्सन के डीजल AMT मॉडल्स आपके लिए सबसे बढ़िया विकल्प हैं। नेक्सन के सिर्फ टॉप एंड मॉडल में ही AMT पर्याय उपलब्ध है, लेकिन ब्रेजा के टॉप निचले वेरिएंट्स में भी AMT विकल्प उपलब्ध हैं, जैसे VDI AMT जिसकी कीमत है
सिर्फ 9,75,000 रुपये ऑन रोड दिल्ली। लेकिन हमसे पूछा जाए तो इन चारों में से हम फ्री स्टाइल की सिफारिश करेंगे, हमारी नजरों में इस प्रतियोगिता के साफ साफ विजेता है। दोस्तों अगर आपको फोर्ड फ्री स्टाइल, इको स्पोर्ट्स, नेक्सन या ब्रेजा की अन्य गाड़ियों के साथ कंपैरिजन देखने में दिलचस्पी है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे लेटेस्ट वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करें और अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करने के लिए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करना ना भूलें। धन्यवाद।